हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। दोस्तों हम लोग मैप चल रहे थे, जिसमें मैप में जितने भी हमारे भारत के जो भी जितने भी राज्य हैं उसको एक एक करके हमने पढ़ लिया था, जिसमें आपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, इसके बारे में पढ़ लिया था। और आज जो टॉपिक है वो झारखंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो झारखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको SSC रेलवे वगैरह में बनते हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको जरूर देखें अंत तक, ठीक है। तो आइए जानकारी लेते हैं झारखंड के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुआ था, बिहार से अलग होकर एक झारखंड राज्य बना, जो कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखना है, 15 नवंबर 2001 को क्या हुआ था, बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना जिसका नाम झारखंड बना, ठीक है। इसके अभी करेंट में इनका दो चीज़ आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि अभी RRB एग्जाम होने वाला है, UD का भी होने वाला है। तो आपको एक चीज़ यहाँ का CM जो कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर आपका है हेमंत सोरेन साहब है, और यहाँ के जो गवर्नर है, ठीक, रमेश बैस साहब, उनका भी नाम आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी गवर्नर और CM भी पूछ देता है, ठीक है। देखिए झारखंड का जो भौगोलिक नाम था वो छोटा नागौर का पठार था, तो कहीं कहीं आप भौगोलिक नाम पूछ दें तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि झारखंड का भौगोलिक नाम क्या था, छोटा नागपुर का पठार, ठीक। सिमिलरली देखिए कि स्वर्णरेखा नदी जो है जो कि रांची में है, उसका वहाँ पर हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात का अगर पूछा सकता है तो पूछा जाए कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे, और कहाँ पे है, रांची में, रांची कहाँ पे है, झारखंड, और हाँ झारखंड की जो राजधानी भी है क्या है, रांची है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। देखिए उसके बाद धनबाद में क्या है, धनबाद जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, धनबाद में क्या है, कोयला खान के लिए बहुत फेमस है, झारखंड में जानते हैं कोयला की भरपूर मात्रा है, तो कोयला खान के सबसे फेमस जगह झारखंड में वो धनबाद है। पारसनाथ की चोटी जहाँ पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग के पठार के पास है, देखिए यहाँ हजारीबाग का पठार यहाँ पाया जाता है झारखंड में, यहाँ पर, ठीक। सिंधी जो उर्वरक के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो भी झारखंड में पाया जाता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पॉइंट्स है जो झारखंड से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जामतारा बहुत ही फेमस है साइबर क्राइम के लिए, जितने भी आपको कॉल आते हैं कि हाँ आपको 1 लाख की नौकरी लगी है, 3 लाख की नौकरी लगी है, ये सब अधिकतर जो ये क्राइम होते हैं, ठीक है, ये जामतारा में होते हैं जो कि झारखंड में नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए कोडरमा किसके लिए फेमस है, कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में है, आप देख सकते हैं झारखंड की इस साइड में आपको किसी यहाँ पर कोडरमा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सिमिलरली बेतला राष्ट्रीय उद्यान एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, जो पलामू में है झारखंड में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब जो झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में, जैसे हजारीबाग जेल से जो भागे थे JP नारायण, जो हजारीबाग में जेल है जयप्रकाश नारायण वहीं से भागे थे, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धनबाद झगिया में जो कोयला केंद्र है उसके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसी प्रकार जो राजमहल की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमहल की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, वो झारखंड में। इस प्रकार की जो छोटे छोटे पॉइंट है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, जो कि झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कांवड़ झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है, कांवड़ झील पता किसमें, अच्छा समस्तीपुर उसमें है सर, सर इसमें कार्यक्रम नहीं है। पासनाथ की चोटी बता दिया हमने, जामतारा बता दिया, अभ्रक के लिए बता दिया, ठीक है, बेतला के बता दिया, ठीक है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हाँ एक सीमेंट उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट उद्योग कहाँ पड़ता है, ये भी चायबासा पड़ता है यहाँ पे इस साइड में, ठीक है, चायबासा में सीमेंट उद्योग पड़ता है जो कि झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड से इतने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने इस छोटे से वीडियो में कोशिश किए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।